Hello, my dear learners. So we have completed GATE 2024 and we have a very big plan for the upcoming sessions, that is 25 and 26. We are coming up with Ummeed and Sangram batches. Complete mechanical engineering team is with us. So we are the strongest team. So we all are here to support you. And the batches are starting from 9th of February. So we have like Mondal sir, Gil sir, Negi sir, Gurpal sir, then we have Aman sir, Deepra sir. All teachers are with you. We are there to support you. And we have big plans for the upcoming sessions. As you are aware that we are starting with new batches for 2025. The batch is starting under the name Ummeed. And for 2026, the batch is starting under the name Sangram. So what are you waiting for? If you have decided to prepare, this is the right time, so you get more time for preparation and more time for revision. So the batch is starting from 9th of February. So Mondal sir. Yes. अब सवाल ये होता है कि गेट का प्रिपरेशन क्यों करें, क्योंकि 2025-26 के लिए अगर आप देखेंगे कि गेट का प्रिपरेशन हम ये नहीं चाहते हैं कि बंदा लास्ट मोमेंट में आके जब कुछ नहीं मिला तब प्रिपरेशन शुरू करे। आप कॉलेज में बैठ के तो प्रिपरेशन कर सकते हो ना। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, अगर आप थर्ड ईयर में हो, 2026 ज्वाइन करो, दैट इज संग्राम बैच ज्वाइन करो। अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो, अगर पास आउट कैंडिडेट हो, तब जाके 2025 के लिए ज्वाइन करो। अब ऐसा है कि गेट क्यों दे? गेट एक ऐसा चीज है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाता है। एक तो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब। अब ऐसे आपको लगता है कि पीएसयू में जॉब करने क्यों जाए, हम प्राइवेट में चले जाए। प्राइवेट में जाओगे 25,000-30,000 रुपया सैलरी देगा पर मंथ, और अगर आपने जाएंगे पीएसयू में तो 80,000 से शुरू ही होता है, 1.5 लाख तक चला जाता है उसका पर मंथ सैलरी। तो इसके कारण आप ध्यान रखें कि अभी अगर आप देखेंगे शेयर बाजार में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है आपका गवर्नमेंट सेक्टर का जितना भी पीएसयू है सारे का जो शेयर है जम के बढ़ता जाता है। इसका कारण होता है दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, और अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जुड़ सकते हैं दैट इज थ्रू गेट ओनली। एंड दूसरा होता है कि अगर आपका इच्छा है कि मैं एमटेक करूं, क्योंकि बीटेक तभी सब लोग कर रहे हैं, एंड टॉप इंस्टीट्यूट से करूं, आईआईटी से करूं, आईआईएससी से करूं, वो भी मिलता है। इवन इफ आप फॉरेन यूनिवर्सिटी जा सकता है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर जा सकता है, जर्मन जा सकता है, ऐसे भी गेट के थ्रू जा सकता है। दूसरा बात हो रहा है गेट प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता है कि गेट प्रिपरेशन करने से सिर्फ आपका गेट एग्जाम निकलेगा, इसके साथ साथ और डिफरेंट 48 एग्जाम है जो आप दे सकता है। इसरो दे सकता है, बार्क दे सकता है, डीआरडी दे सकता है, मतलब डिफरेंट एग्जाम है। उसमें जो सिलेबस है, जैसे मान लो आपको थर्मोडायनामिक्स आता है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता सिर्फ गेट एग्जाम देने के लिए आता है। आपका जो एग्जाम आएगा अगर थर्मोडायनामिक्स का समझ में आता है, थर्मोडायनामिक्स का अंडरस्टैंडिंग है, तो आप हर एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए गेट एक माध्यम है कि जिससे पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, पूरा सिलेबस आपका हर एग्जाम का कवर हो जाता है, पूरा टेक्निकल पार्ट इसी के साथ आता है, इसमें मैथ रहता है, इसमें एप्टी रहता है, सिर्फ डिफरेंट जो रहता है थोड़ा बहुत और जीएस पार्ट रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर से शुरू करना चाहिए प्रिपरेशन। एंड अगर आपको प्राइवेट में अच्छा कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको यहाँ पे तो मिल ही जाएगा। कि आप 50 एग्जाम देंगे उसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए ये प्रिपरेशन करना बेहद जरूरी है। एंड सर बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो बेटा यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो जस्ट अभी आपका गेट 2024 का एग्जाम खत्म हुआ है। ये बेस्ट टाइम है, ऑप्टिमम टाइम है जिस पर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ से आपके पास लगभग 12 महीने बचते हैं, और जो कि एक ऑप्टिमम टाइम है कि आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अच्छे से टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। एज वेल एज अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि अब आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज के साथ एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपकी इस जरूरत को समझते हुए हमने लॉन्च किए हैं 2 बैचेस। पहला बैच है 2025 के लिए जो कि है उम्मीद बैच। हम लोग इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं 9th ऑफ फेब से। ये इंग्लिश बैच है। इंग्लिश बैच का मतलब होता है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो हिंदी में मिलेंगे, जो स्लाइड मिलेगी वो इंग्लिश में मिलेगी। माइंड यू 9th ऑफ फेब से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और हमारे जितने भी बैचेज होते हैं सिर्फ गेट एग्जाम के लिए नहीं होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज पीएसयूज के लिए भी होते हैं। और यहाँ पर आपको गेट मैकेनिकल के साथ साथ एक्सी का फ्लेवर भी मिलने वाला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स, पीके सर स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग वाले स्लॉट में, और इवनिंग में मंडल सर स्टार्ट कर रहे हैं मेटल कटिंग। तो आपके लिए 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं जो कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने सिलेबस को स्टार्ट करने की। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 2026 के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संग्राम बैच। अगेन उन्हीं दो सब्जेक्ट के साथ हम इन बैचेस को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपके सामने टीम, इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट टीम ऑफ मैकेनिकल। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं जानता हूं कि हर कोई इस टीम से पढ़ना चाहता है। तो यार आपको ऑफर भी है जो कि सर बाद में बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कौन कौन टीचर्स, कौन कौन एडुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। नाउ एक बार आपने अगर अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिया तो अब बात आती है कि आपको क्या क्या ऑफरिंग्स मिलने वाली है। सबसे पहली ऑफरिंग बेटा आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं और साथ में गाइड भी करते हैं। दूसरी चीज आपको एनोटेड नोट्स मिलते हैं, यानी कि टीचर ने एडुकेटर ने जो भी लिखा है वो PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इनबिल्ड टेस्ट सीरीज है, विराट टेस्ट सीरीज जो कि क्यूरेटेड है बाय द टॉप एडुकेटर जो कि आपने स्क्रीन पर देखे हैं। नाउ इसके साथ साथ आपको डिजिटल बुक्स मिलती हैं। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि आपको जब हम प्रिपेयर करवा रहे हैं सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर नहीं करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज PSUs, तो आपका जो बार्क का सपना है, ISRO का सपना है, वो भी यहीं से पूरा होता है। लास्ट में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम आपको इंटरव्यू के लिए गाइड भी करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर जो कि है अनअकैडमी। तो ये बेटा वेटेज है, वेटेज हर साल वेरी होता है, बट ये आपको एक रफ आइडिया देने के लिए हम लोगों ने वेटेज सामने रखा है। इसके बाद आप स्केड्यूल देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला हम दो सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं 9 Feb से। तो मॉर्निंग वाले स्लॉट में थर्मोडायनामिक्स, इवनिंग वाले स्लॉट में मेटल कटिंग, उसके बाद का स्केड्यूल भी आप देख सकते हैं। आपका सिलेबस है दिसंबर मिड तक खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये एक ऑप्टिमम टाइम है जहां पर आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और बाद में आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा रिविजन और प्रैक्टिस के लिए। बाकी ये आपका संग्राम बैच का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2025 के 26 है। एग्जाम कैलेंडर सर, दीपरा सर। बिल्कुल सर, देखिए जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से कंडक्ट होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। सो आपको पता होना चाहिए कि जब भी गेट एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जून जुलाई जो इस साल नोटिफिकेशन आया था उस बेसिस पे है ना, तो जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाता है। सितंबर में अगर हम बात करें तो आपका फॉर्म फिलिंग का टाइम आ जाता है, इस समय आपको फॉर्म फिल करना रहता है, रजिस्ट्रेशन टाइम होता है। और जो फरवरी होता है वो एग्ज़ाम टाइम होता है। फरवरी के फर्स्ट 2 वीक पूरे गेट के एग्ज़ाम होते हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस एक पेपर और दे सकते हैं है ना। सो वो एक पेपर में हम XE के लिए जा सकते हैं, DI के लिए जा सकते हैं और भी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। सो ये 2 वीक मतलब अगर मैं कहूं फेब का फर्स्ट 2 वीक जो है वो एग्जाम में निकलता है, गेट एग्जाम में। उसके बाद अगर एग्जाम के बाद रिजल्ट के बारे में बात करें तो वो आता है मार्च में है ना। उससे पहले थोड़ा सा और प्रोसेस रहेगा। अगर एक और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ तो जैसे एग्जाम होता है तो उसके बाद आंसर की रिलीज होता है IIT के द्वारा। आंसर की में जो भी करेक्शंस होते हैं उसके लिए 3 से 4 दिन का समय होता है एंड देन फाइनल रिजल्ट आता है जो कि मार्च, नॉर्मली मिड मार्च के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गेट एग्जाम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है तो आप सभी को बता दूं कि गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 65 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 35 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स दैट 35 × 2 70 मार्क्स हो गया और 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और ये 3 आवर्स आपको इस एग्जाम को लिखने के लिए मिलता है, मतलब 180 मिनट 65 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है MCQ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने होता है, एक ऑप्शन उनमें से कोई भी एक करेक्ट होता है जिसे आपको सेलेक्ट करना होता है। दूसरा होता है MSQ क्वेश्चन जो कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें मे बी मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। सो आपका एक ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट हो सकता है उसमें। और तीसरा होता है NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर निकाल कर उसमें जिस यूनिट में पूछा गया है उस यूनिट में फिल करना रहता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये ड्यूरिंग द क्लास हर एजुकेटर आपको बताएगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू, एनएटी एंड एमएसक्यू। इसमें एमएसक्यू और एनएटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन उसको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए ताकि आपका मार्क्स आ सके, क्योंकि उसमें आप टाइम देंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम दे के क्वेश्चन गलत करके आ जाओ, है ना। तो वो सारी चीजें आपको क्लास में बताई जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे तो इसमें 8 to 9 मंथ का प्रिपरेशन टाइम हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे 2026 के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि वो कॉलेज के साथ करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बिल्कुल, तो जैसे ही टेस्ट का बात किया जाता है एक बात याद आता है जो बहुत ही तोप है कि बताओ टेस्ट क्यों दे, क्योंकि कुछ लोग लगता है टेस्ट दूंगा उससे मार्क्स आएगा, भाई वो मार्क्स कहीं पे तो ऐड नहीं होगा, तो फिर टेस्ट क्यों दे। ये होता है जैसे आपका भी जिसका शादी नहीं हुआ वो थोड़ा समझ नहीं पाएंगे ढंग से, जो जिसका शादी हो चुका है उसको अगर कभी दिल का आरमा हो कि मेरा क्या कमी है दुनिया में, मैं आया हूँ मेरा क्या कमी है पता करना है, तो उसका वाइफ से पूछो, एक मिनट में तुम्हारा पूरा सारा खानदान का कमी निकाल देगा। सेम चीज है, आप तो पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपका जो पढ़ाई हो रहा है उसमें कहाँ कमी रह जा रहा है वो बताएगा टेस्ट सीरीज, और वो एकदम ढूंढ के बता देगा कि तुमने ये चीज ढंग से नहीं पढ़ा, ये तुमको ढंग से समझ में नहीं आया। और वो अगर तुरंत समझ में आ जाता है, एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हो और उसी में टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद समझ में आता है, तो आपके पास करेक्शन करने का मौका रहता है, और अगर आप करेक्शन कर लेते हो तो कौन आपको रोक सकता है। इसलिए टेस्ट देना बेहद जरूरी है, तो पढ़ना है और टेस्ट देना है, बस दैट इज सफिशियंट फॉर यू। यस गुरुपाल सर प्लीज। सर सो मेरे परमप्रिय विद्यार्थियों, अब बात आ जाती है स्टूडेंट्स को कि सर नॉर्मली ऐसा होता है सर क्लासरूम में किस टाइप का, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ, तो क्लास में किस टाइप का हम डाउट पूछ सकते हैं, कैसे हम एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, तो जितने भी आपको एजुकेटर्स दिख रहे हैं और एजुकेटर्स के बारे में भी अभी सर बताने वाले हैं। तो लाइव क्लासेस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जस्ट सामने ही ऐसा आपको फील होगा कि आपके जस्ट सामने मैं 1-on-1 आपको देख करके पढ़ा रहा हूं, और आप कुछ भी अगर डाउट होता है तो वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को इस थर्ड स्टेप में डाउट है, या सर इसका मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो यहां पर प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। जब इंटरेक्शन की बात आती है तो इंटरेक्शन से ही, जो लाइव इंटरेक्शन होता है उसी से ही आप एक बिल्डअप करते हो इन्वायरमेंट पढ़ने का, और इन्वायरमेंट से भाई आपको एक सिंपल सा संस्कृत का एक बात बता देता हूं कि सत्संगति किम न करोती, वो इन्वायरमेंट ही सब कुछ कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दिख रहा है लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लासेस में देखिए यहाँ पर क्लास चल रही है, जैसे मंडल सर की क्लास चल रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, एक एक कमेंट के हमारा देखो, हमारा जो एजुकेटर्स होते हैं उनके लिए आप लोग का कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्लास में बिल्कुल भी ऐसा फील ना करें कि आप पीछे हो जा रहे हैं, आप साथ साथ में रहें। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर है, उस फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा चैट फैसिलिटी के साथ में ही। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बॉस पोलिंग का फीचर है, तो जब भी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 क्वेश्चन कराए, अब आपकी बारी है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन के साथ में मैंने पोल कर दिया और टाइमर लगा दिया, और टाइमर के साथ में जब आप इंटरैक्टिव वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपका क्वेश्चन जो है, और यहां पर ट्रू फॉल्स वाला भी क्वेश्चन हो सकता है और एमसीक्यू भी हम सॉल्व कराते हैं, तो वहां पर एक स्टूडेंट को एनवायरमेंट, अगेन मैं बात कर रहा हूं एनवायरमेंट से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो जितना बेस्ट टू बेस्ट एनवायरमेंट इस प्लेटफॉर्म में आपको मिलता है एज अ लर्नर, मैं बात करूं एज अ लर्नर, इफ आई एम अ लर्नर, तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रिपरेशन करने के लिए। एक और सवाल आता है कि सर ठीक है, बट मुझे कोई और एक क्वेश्चन था, मैं कल सॉल्व कर रहा था, रात में पढ़ते पढ़ते सो गया, उस सवाल को मैं कैसे पूछूं अभी बीच में तो नहीं। तो आपको यहां पर एक फैसिलिटी होती है कि आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड, आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, एक बटन है, आपने बटन वो क्लिक कर दिया, जैसे ही आपने वो बटन क्लिक किया उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप एजुकेटर से वहां पर बात भी कर सकते हैं। नहीं सर मुझे बात नहीं करनी है, सर ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या कि मैं अपना क्वेश्चन शेयर कर दूं? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक डाउट का बटन होता है यहां पर, और उसके बाद ये जैसे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, रेज योर हैंड दिख रहा है, और ये आप चैट कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्लिक करेंगे, आप पिक्चर भेजिए, उस क्वेश्चन की आप फोटोग्राफ भेजिए और उसके बाद ये फोटोग्राफ खुल करके आ जाएगी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक पीडीएफ या पीपीटी खुला हुआ है, वो आपकी फोटोग्राफ क्वेश्चन के आ जाएगी यहाँ पर। आप डाउट पूछ सकते हो, मतलब कितने सारी फैसिलिटीज है। आप चैट करके डाउट पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फोटो भेज सकते हो। नहीं सर बात करनी है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट आपको दिया जा रहा है प्रिपरेशन करने का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। सर आ जाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आपके मन में ये होगा कि कितने तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल हैं अनअकैडमी ऐप पे। तो दो तरह का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आपको, एक प्लस है और आइकॉनिक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आप लाइव क्लास देख सकते हो, जितने भी टॉप एजुकेटर इस ऐप पे क्लास ले रहे हैं आप उनके क्लास देख सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लास, जैसा कि सर ने आपको बताया था कि आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो। आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। रेज अ हैंड का फीचर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलता है, लाइव टेस्ट क्विजेज। तो आइकॉनिक में ऐसा क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है? तो जैसे कि आपको सर ने बताया था रेज अ हैंड, तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिलता है। अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाता है कि अदर लर्नर के कंपैरेटिव आपको पहले डाउट पूछने का मौका मिलेगा। एक तो ये हो गया। अब जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बुकलेट की भी जरूरत होती है, जैसे वर्कबुक हो गया या बुक्स जो पढ़ना है आपको, तो वो भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। साथ ही साथ आपको मेंटर की भी जरूरत होती है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे, यानी कि आपके जो जर्नी है उसमें आपको हमेशा हेल्प करे, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट को डाउट रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, जिससे कि आप एक टाइम स्लॉट फिक्स कर सकते हैं कि उनसे कब बात करना है। तो आप जैसे एक ड्यूरेशन दिया जाएगा कि आप इस टाइम में बात करना चाहते हैं, तो आप उसमें आप फिक्स कर सकते हो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें टाइम बुक भी कर सकते हैं जिस टाइम आपको मेंटर बात करेंगे। जैसे कि आपको कोई डाउट है तो डाउट से रिलेटेड डिस्कशन करना है, या जनरल कुछ क्वेरीज है तो वो डिस्कस कर सकते हो। इसमें कुछ और भी फीचर्स रहते हैं, जैसे कि आप फ्रेंड से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जब आप ऑफलाइन जाते हो तो ऑफलाइन क्यों जाते थे कि एक पीयर ग्रुप आपको मिले, आपके फ्रेंड मिले, जिससे कि आप इंटरेक्ट करें कि कैसा प्रिपरेशन चल रहा है और आपको मन लगे प्रिपरेशंस करने में। तो सिमिलरली अनअकैडमी भी आपको इस तरह का फीचर प्रोवाइड करता है ऑनलाइन में। जब आप साथ साथ पढ़ाई करते हो तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक साथ जितने भी लर्नर्स हैं तो 4-5 का ग्रुप भी आप बना सकते हो अनअकैडमी ऐप पे भी, और एक साथ कंपीट कर सकते हो कि एक दिन में किसने कितना ज़्यादा पढ़ा, किसने कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस तरह का भी आपको यहाँ पे फीचर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं करो कि आप सिर्फ अकेले प्रिपरेशंस कर रहे हो। ये जर्नी में आप अपने फ्रेंड के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था मेंटरशिप, तो मेंटरशिप काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है जब प्रिपरेशन आप करते हैं। तो जैसे मेंटरशिप सेशंस रहता है, आप उनसे स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं। अब जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको मैंने बताया बुक भी आपको घर पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे मैकेनिकल के बुक्स हैं, या आप मैकेनिकल्स का यहाँ पे मेंशन है कि ये सारे बुक्स हो गए जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन। तो सारे बुक जो हैं आपको विदिन 15 डेज घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। जो भी आप एड्रेस उसमें दोगे, गूगल फॉर्म आपसे मांगा जाएगा, गूगल फॉर्म में जो भी एड्रेस दीजिएगा उस घर पे आपको उसी कॉस्ट में जो आपने आइकॉनिक का पेमेंट किया है उसी कॉस्ट में आपको विदिन 15 डेज में डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये सारे आइकॉनिक के फीचर्स हैं। नेक्स्ट आपको एजुकेटर के बारे में सर बताएंगे, प्रवीण सर। थैंक यू अमन सर। वी हैव गॉट अ वेरी गुड कॉम्पोजिशन ऑफ टीम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम. So experienced, ever learning, student friendly, and they will help you. And you know, I myself, this is my 23rd year of teaching. Like I cleared engineering services twice with all India ranks of 39 and 14. Then we have Mondal sir. He cleared engineering services examination, and you know he has over 20 years of experience, and he teaches wide varieties of subjects. And he was in engineering services, and due to his passion for teaching, he left and he joined teaching. And he has also more than 2 decades of teaching. Then we have Gil sir. He was in BARC earlier, like he resigned, then due to his passion for teaching, like he entered teaching, and this is his 11th year in teaching, and he teaches not just fluid and thermal, he teaches industrial engineering, strength of materials, engineering mechanics. There are many subjects, and he is a very conceptual and student friendly teacher. Then we have Devinder Singh Negi sir, and he cleared GATE, not just cleared, he cleared with All India first rank, not just once, twice. And he teaches thermal and fluid mechanics. So he is a very student friendly teacher and energetic teacher. He will be supporting you. Then we have Deepra sir. He is from IIT and he too has an experience of more than 9 years, and he teaches theory of machines, design part and also production part. Then we have Gurpal sir. He is known for his simplification in mathematics and he has got huge experience, and he teaches very different branches for mathematics, and he is adding every time new questions, and he'll be there to support you, and he responds to every question asked by student. Then we have Aman Raj sir, an IITN, and you know, like aptitude, he makes things very simpler and enthusiastic. And we have got very good dynamic team, as I say, composition of experienced and very student friendly teachers. Yes sir. तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी जान लिया होगा बैच के बारे में सब कुछ, तो सबसे आखिरी में एक पॉइंट आता है कि सब फैसिलिटी बहुत अच्छा है, आपने बैच के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा बताया, पैसा कितना देना पड़ेगा, राइट? सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे डिमांड कर रहे थे कि हमें जो सब्सक्रिप्शन है वो कम पैसों में चाहिए, तो अनअकैडमी ने आपकी बात सुनी है और अनअकैडमी आपको दे रहा है फ्लैट 50% ऑफ। तो अब आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 20,000 रुपये में 1 रुपये कम में पा सकते हो, जो कि पहले आपको अराउंड 40,000 में मिल रहा था। सो जो भी टीम सर ने हमें आप लोगों को बताई है, हमारी जो टीम है उसने ऑलरेडी टॉप रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। हमने मल्टीपल टाइम्स AR 1, 2, 3 जो है इस टीम ने प्रोड्यूस किए हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, और ऑल्दो आपको सिर्फ यहाँ पे 3 पिक्स दिख रही हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं, इसमें सिर्फ टॉप 10 रैंक में जो स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया है उनका पिक्स है। वैसे अगर टॉप 100 का आप बात करोगे तो देर आर मल्टीपल स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड रैंक अंडर 100। तो मैं नेगी सर को बुलाऊंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं, गेट 2024 ऑनवर्ड DA का पेपर ऐड हो चुका है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जैसे कि आप लोग को ये भी पता होगा कि DA का पेपर मोस्ट ऑफ द कोर ब्रांचेस का सेकंड पेपर है, चाहे आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, या फिर सिविल के हैं, या फिर ऐसा है कि आप केवल DA के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। इंडिया की बिगेस्ट एंड बेस्ट टीम अब अनअकैडमी के साथ जुड़ चुकी है और आप लोगों के लिए नए बैचेस भी आ रहे हैं। उम्मीद बैच लॉन्च हो रहा है 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर पूरे DA का जितना भी सिलेबस है वो कवर किया जाएगा इस बेस्ट टीम के द्वारा। नया बैच स्टार्ट हो रहा है 9 फेब से, इंग्लिश लैंग्वेज है, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के साथ स्टार्ट हो रहा है ये बैच। संग्राम बैच 2026 वालों के लिए है और ये भी प्रोबेबिलिटी के साथ ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको गेट, CS एंड IT वाले गोल में जाकर इन बैचेस को ज्वाइन करने की फैसिलिटी मिलेगी। तो यहां पर भी फ्लैट 50% ऑफ है DA के बैचेस पे, जैसे कि सर ने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 से 1 रुपए कम में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 साल का। और यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करता हूं कि आप वहां पर जो ओल्ड लेक्चर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। सो फाइनली, as you know, an investment in knowledge pays the best interest, right? तो सर कंक्लूड कीजिए। Thank you Negi sir. See, what are you waiting for? So this is the right time for you to start. If you are aiming for GATE 2025, we are here as a team, yes, to deliver our best. So all the best my dear students, and definitely you can rely on us for quality. बोलिए सर। बिल्कुल सर, और मैं इसी बात पे पूरी टीम है ना, जो हमारा टैग लाइन है, लेट्स क्रैक इट।